वेलकम वेलकम बैक टू चैनल ऑप्शंस गाइड तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में क्या हुआ आज की मार्केट में अगर आपने सेटअप को फॉलो किया था तो आज फिर से मार्केट ने परफेक्टली सेटअप पे वर्क किया निफ्टी में क्या हुआ मॉर्निंग में डिप आया और फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला लेकिन टॉप कहां लगा हमने आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल बताया था हमने सिंपली आपके साथ डिस्कस किया था 18,000 तो ईजिली मार्केट आ जाएगी 18,000 आना चाहिए मार्केट को क्योंकि दोनों साइड पोजिशंस बनी हुई थी 18,000 थाउजेंड पे लेकिन 18,000 थाउजेंड मेन डिसाइडिंग लेवल होगा यहाँ पे मेजर रजिस्टेंस बिल्ड हो रही है यहाँ तक मार्केट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इसका ब्रेकआउट बहुत डिफिकल्ट है यहां मेजर रेजिस्टेंस है और एग्जैक्टली exactly वही हुआ 18,000 पे टॉप लगा और उसके बाद पूरा दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में थी बैंक निफ्टी में क्या हुआ

ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हुई थी वहां से डिप आता है अब ये जो डिप आया था ना ये आपको एंट्री देने आया था क्यों एंट्री देने आया था मैं आपको सेटअप में क्या बताता हूँ क्या यूज करना है लेवल्स और सुपर ट्रेंड ये दो चीजें यूज करने के लिए बताता हूँ ये जो डिप आया था ना ये सुपर ट्रेंड के सपोर्ट तक आया था और फिर वहां से ये क्लियर कट बाउंस बैक आया एक बार दिखा देता हूँ आपको अगर कहीं डाउट हो डेली बताता हूँ यार सिंपल सेटअप है लेवल्स और सुपर ट्रेंड यूज कर लो प्रॉफिट अपने आप मिल जाएंगे देखो क्या होता है डिप आया जरूर है लेकिन कहां तक आया है सुपर ट्रेंड के सपोर्ट तक देखो इससे परफेक्टली सुपर ट्रेंड अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता है एग्जैक्टली exactly सपोर्ट तक आई मार्केट पिन पॉइंट और उसके बाद क्या सडन रैली आई और क्या शार्प कैंडल्स बनी आप देखो और टारगेट भी आपको सिंपली पता था 18,000 तक Easily हमें रैली एक्सपेक्टेड है बहुत क्लियरली बताया था क्योंकि पुट राइटर्स ने भी पोजिशन बनाई हुई थी तो एटीन थाउजेंड तो वो लेके आएंगे मार्केट को लेकिन इसका ब्रेकआउट ईजी नहीं होगा क्लियरली वही हुआ परफेक्टली वहां पर टॉप लगा तो होप आपने ये अच्छा ट्रेड बनाया होगा पहला अच्छा ट्रेड मिल गया मॉर्निंग में उसके बाद क्या होता है देखो एटीन आए बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल यहां तक तो इजिली आ जाएगी मार्केट बार बार यही कहा आ गई मार्केट लेकिन इसका ब्रेकआउट देना मुश्किल है वही हुआ रेजिस्टेंस मार्केट ने वहां फेस की और वहां से सिंपली सेल ऑफ आता है पहली बार सपोर्ट काइंड ऑफ मार्केट लेती है लेकिन फाइनली इसका से ब्रेकडाउन मिलता है और अब क्या हो चुका है ब्रेकडाउन तो मिल ही रहा है लेकिन साथ साथ सुपर ट्रेंड भाई साहब ने भी बता दिया कि मेरा भी अब सपोर्ट नहीं है यहां पर ठीक है लेवल भी ब्रेक हो रहा है सुपर ट्रेंड भाई साहब भी बता रहे हैं कि अब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है सुपर ट्रेंड का काम ही है ये ट्रेंड बताना बता दिया सुपर ट्रेंड ने भी ट्रेंड नेगेटिव है लेवल भी बता रहा है मार्केट नेगेटिव है हमने ट्रेड डिस्कस किया था लोअर साइड सेवनटी के बिलो कंटिन्यूस फॉल आएगा और फॉल में यहां कोई सपोर्ट नहीं है इजिली सेवेंटी ब्रेक होगा और एक क्लियर कट डाउनफॉल देखने को मिलेगा सेवनटी के बिलो से पे कोई सपोर्ट नहीं है सपोर्ट कहाँ था सेवेंटीन एट हंड्रेड पे तो यहां से भी आप ये अच्छा डिसेंट फॉल कैच कर सकते थे जहां सेवनटीन नाइन हंड्रेड से भी ऑलमोस्ट मार्केट ने सेवेंटी फाइव पॉइंट का डाउनफॉल दिया है तो ओवरऑल मॉर्निंग में एक बाउंस जरूर आया और वो बाउंस आएगा सिंपली हमने डिस्कस किया था 18,000 एक बार मार्केट जरूर आएगी क्लियर कट एक्सपेक्टेड है और वहां फिर मेजर रेजिस्टेंस है और वही रेजिस्टेंस ने अपना वर्क किया वहां से डाउनफॉल देखने को मिला सेकंड ट्रेड 17,900 के बिलो सिंपली पुट्स में एंट्री थी सुपर ट्रेंड भाई साहब भी बता रहे थे कि कर लो यार पुट्स में एंट्री कोई दिक्कत ही नहीं है मेरा कोई सपोर्ट है ही नहीं तो सिंपली आप सेटअप को यूज करके बहुत अच्छे ट्रेड बना सकते थे क्या आपने बनाए या नहीं जरूर कमेंट्स में बताए आज की मार्केट हो चुकी है अब कल क्या चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं पहले चार्ट्स पे देखेंगे फिर ऑप्शन जेन पे बात करेंगे क्लोजिंग आई है ऑलमोस्ट सेवनटीन एट फिफ्टी के आसपास तो ये है, 17, 850, उसके बाद सेवनटीन नाइन हंड्रेड उसके बाद सेवनटीन नाइन फिफ्टी उसके बाद एटीन थाउजेंड लेवल सपोर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है एक ही लेवल है वही बता रहा हूँ सेवनटीन सेवन एट्टी से एट हंड्रेड का जोन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ठीक है पहली चीज सारे लेवल्स ध्यान रख लो अब ट्रेड कैसे बनेगा देखो दोबारा अपसाइड आना है तो मार्केट दोबारा बुलिश होगी इंट्राडे में के इसका अगर ब्रेकआउट मिलेगा इंट्राडे में तो आपको कॉल्स में एंट्री करनी है टारगेट सेवेंटी नाइन फिफ्टी और उसके बाद एटीन थाउजेंड लेवल सिंपली ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉपलस यूज करो और ये टारगेट कैच करो ठीक है क्लियर है सेकेंड कॉल का ट्रेड कहां बनेगा इस जोन में बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बार बार मैंने आपको समझाया वीकेंड पे भी बताया था पोजिशनल लेवल भी है यहां तो यहां आएगी मार्केट तो आपको इस डिप को बाय करना है और यहां कॉल्स में एंट्री करनी है अगर इस जोन में मिले मार्केट आपको तो कॉल्स में एंट्री करो और इसका लॉस सिंपली रहेगा सेवनटीन थाउजेंड सेवन सिक्सटी लेवल यह आपका एस एल है इस जोन में आपको एंट्री करनी है कॉल में और टारगेट वही अपसाइड लेवल सेवनटीन एट फिफ्टी सेवनटीन नाइन हंड्रेड सिंपली जो भी सारे अपसाइड लेवल्स हैं वो आपके टारगेट्स होंगे तो दो कॉल्स की एंट्री अभी तक हमने डिस्कस किया है पुट की एंट्री कहां बनेगी देखो पुट्स की एंट्री बनेगी छोटे टारगेट के लिए पुट की एंट्री बनेगी अगर मार्केट सेवनटीन एट फिफ्टी के आसपास स्ट्रगल करती है इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करे तो आपको पुट्स में एंट्री करनी है लेकिन टारगेट एक ही है और छोटा है वो है सेवनटीन एट हंड्रेड यहाँ पे आपको एग्जिट हो जाना है पुट के ट्रेड के लिए इंट्राडे में आज देखो बहुत बड़ा टारगेट था 18,000 से भी आप रिवर्सल प्ले कर सकते थे बहुत डिटेल में डिस्कस किया था मेजर लेवल है का ट्रेड तो डिस्कस किया ही था लेकिन कल बहुत छोटा टारगेट है और इसके बिलो पुट्स को होल्ड नहीं करना है क्योंकि यहाँ तो हम रिवर्सल प्ले करेंगे तो पुट्स को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है चार्ट पे ये सेटअप है अब ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं चलिए आ जाते हैं हमारी ऑप्शन चेन पे ये देखो ऑप्शन चेन क्या बता रही पहली चीज एटीन मेजर रेजिस्टेंस है क्लियरली देखो पुट साइड आज अनवाइंडिंग भी हो गई है और गैप भी बहुत बड़ा हो गया ऑलमोस्ट टू लैक का गैप है इसलिए मेजर रजिस्टेंस एटीन थाउजेंड है ठीक है सपोर्ट की बात करें कल भी बताया था सेवनटीन नाइन हंड्रेड पर सपोर्ट नहीं है इनफैक्ट अब तो रजिस्टेंस बन चुकी है और कल ये रजिस्टेंस ब्रेक होगी तो ट्रेंड में अपमूव आएगा क्योंकि देखो पुट साइड वन लैक इलेवन थाउजेंड टू आई है कॉल साइड टू लैक वन थाउजेंड तो ऑलमोस्ट नाइनटी थाउजेंड का गैप है वो भी डिसेंट गैप है तो सेवनटीन नाइन हंड्रेड पे भी रजिस्टेंस है मेजर एटीन थाउजेंड पर है लेकिन सेवनटीन नाइन हंड्रेड पर भी डीसेंट रजिस्टेंस है सपोर्ट का है सपोर्ट वही सेवनटीन एट हंड्रेड जो मैं आपको बार बार रेंज बता रहा हूं उसी रेंज में मार्केट वर्क कर रही है सेवनटीन एट हंड्रेड इसलिए मिलेगी मार्केट तो इस डिप को बाय करेंगे और दोबारा यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है क्योंकि यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट है आप देखो वन लैख फोर्टीन थाउजेंड वही है पुट साइड एंड कॉल फिफ्टी नाइन थाउजेंड यानी सिक्सटी थाउजेंड भी मान ले तो भी एक डिसेंट गैप है फिफ्टी फाइव थाउजेंड टू आई का इसीलिए सेवनटीन एट हंड्रेड एक मेजर सपोर्ट है और एटीन थाउजेंड एक मेजर रेजिस्टेंस है कल के लिए भी मार्केट यही रेंज बता रही है ठीक है तो जो चार्ट में हमने सेटअप डिस्कस किया है वो सिंपली हम लोग फॉलो कर सकते हैं ऑप्शन चेन भी सेम वही चीजें वैलिडेट कर रही है निफ्टी का सेटअप होप आपको क्लियर है बैंक निफ्टी देख ले अब चलिए आ जाता है हमारे बैंक निफ्टी के चार्ट पे बैंक निफ्टी में मैंने डिस्कस किया गया था पहली चीज यहां भी देखो स्लाइटली पॉजिटिव ओपनिंग ठीक है अपसाइड भी आती है लेकिन मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया था कि मिड में कहीं ओपनिंग होगी ना एंट्री नहीं करनी है फोर्टी वन टू फिफ्टी के आसपास मिड में ओपनिंग हो इमीडिएट एंट्री नहीं करनी है ना कॉल में ना पुट में बहुत क्लियरली समझाया था एंट्री सिर्फ लेवल के पास ही बनेगी होता क्या है दोबारा डिप आता है मैंने आपको सिंपली कहा था देखो मैं आपको एक बार सुपर ट्रेंड हटा के थोड़ा बेटर समझा देता हूं मैंने आपको कहा था मार्केट लेवल पे आए और लेवल पे ग्रीन कैंडल बनाए तो आपको कॉल्स में एंट्री करनी है यह मैंने आपको कहा था देखो यह लेवल के पास आइए एक्जैक्टली टेस्ट इसने भी नहीं किया लेकिन इस कैंडल की तो बॉडी ही नहीं है ठीक है तो कॉल की कोई एंट्री नहीं थी की कोई एंट्री थी ही नहीं बैंक निफ्टी में मिड में तो जंप नहीं करने बार बार समझाया था फिर भी आपने है तो आपकी गलती है बहुत क्लियरली समझाया था कि मिड में तो ट्रेड करना ही नहीं है लेवल के पास करेंगे फिर क्या समझाया था दो ट्रेड है फोर्टी पे एक तो लेवल टेस्ट करके मार्केट ग्रीन कैंडल बना ले तो बाउंस बैक आएगा लेकिन अगर मार्केट ने डायरेक्टली रेड कैंडल से लेवल को ब्रेक कर दिया देखो यहां अभी तक कोई कैंडल ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया है इस कैंडल ने टेस्ट किया और ये डायरेक्टली लेवल को ब्रेक कर देती है अगर कैंडल ने लेवल को डायरेक्टली लोअर साइड ब्रेक कर दिया और इस ब्रेक डाउन की कंफर्मेशन मिल गई तो ट्रेंड हो जाएगा नेगेटिव और आपको करनी है पुट्स में एंट्री टारगेट होगा 40,900 पहला और उसके बाद 40,700 लेवल सिंपली ये डिस्कस किया था और एग्जैक्टली इसी सेटअप ने वर्क भी किया है एंट्री मिली ट्रेंड आपको पता है सुपर ट्रेंड ने भी बता दिया भाई है और, उसके बाद देखने को और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आप यहाँ भी पुट्स के थ्रू बना सकते थे अगर आपने सिंपली सेटअप को यूज किया था बहुत क्लियरली समझाया था एग्जाम्पल के साथ समझाया था अगर आपको फ्राइडे की मार्केट याद हो वो दिखा के ही समझाया था देखो ये है लेवल 41,060 बहुत क्लियरली कहा था अगर ऐसी रेड कैंडल कॉल में एंट्री नहीं बनेगी एंट्री और डाउनफॉल कैच करो बहुत क्लियरली समझाया था पे दिखा के इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती थी तो होप आपने सही ट्रेड बनाया होगा इंट्राडे मार्केट तो हो चुकी है परफेक्ट डे था बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में अब कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं बहुत डिटेल में इसीलिए समझाता हूं ताकि आप कोई गलती ना करो इमीडिएट सपोर्ट 40,700 के आसपास क्लोजिंग आई है पहला सपोर्ट लेवल है उसके बाद 40,500 एंड उसके बाद 40,200 लेवल ठीक है रेजिस्टेंस 40,900 41,060 और इसके बाद 41,350 ठीक है ये सारे लेवल्स है अब इंटरडे सेटअप की अगर बात करें तो देखो 40,700 के आसपास क्लोजिंग आई है कल फिर से अगर इस लेवल को लोअर साइड ब्रेक किया तो पुट्स में एंट्री है टारगेट पहला 40,500 और ये भी ब्रेक हुआ तो बड़ा टारगेट है डायरेक्टली 300 पॉइंट्स का 40,200 लेवल ठीक है तो 40,700 के बिलो मार्केट नेगेटिव हो जाएगी सिंपली आपको पहली चीज ध्यान रखनी है अपसाइड की बात करूं तो इमीडिएट रजिस्टेंस है फोर्टी अगर इंट्राडे में बुलिश होना है या कॉल्स में एंट्री देनी है मार्केट को तो इसके अब ही आपको बुलेश मार्केट दिखेगी और आपको इसके अब ही कॉल्स में एंट्री करनी है बैंक निफ्टी में दो ही ट्रेड्स है वो भी ट्रेंड के रिवर्सल का कोई ट्रेड नहीं है फोर्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड ब्रेक ऑफ़ साइड कॉल में एंट्री ये दोनों आपके टारगेट्स होंगे लोअर साइड फोर्टी थाउजेंड सेवन हंड्रेड ब्रेक ऑफ़ लोअर साइड तो ये दोनों आपके टारगेट होंगे और पुट्स में एंट्री सिंपल और क्लियर सेटअप है इसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉपलॉस तो आपको यूज करना ही है जब भी बड़े ट्रेंड्स आपको कैच करने मार्केट में तो वो आप ट्रेलिंग स्टॉपलॉस से सिंपली कर सकते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यूज करें इसके अलावा सेटअप में कहीं कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें एंड हाँ यार इतना परफेक्ट सेटअप देने के बाद भी वीकेंड स्पेशल वीडियो पे आपने लाइक टारगेट पूरा नहीं किया है तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि इससे बेटर सेटअप आपको गारंटी नहीं मिल सकता ठीक है सिंपलेस्ट वे में बेस्ट पॉसिबल सेटअप डेली देते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें